इनके भी सब्जेक्ट थोड़े अजीब हैं, दो लैंग्वेजेस हैं, एक तो पंजाबी इलेक्टिव है, फंक्शनल इंग्लिश है, फाइन आर्ट है। इनको यहाँ मैं लिखूँगा फंक्शनल इंग्लिश है और इलेक्टिव पंजाबी है। ये रहा ग्रेजुएशन में इलेक्टिव पंजाबी पीबी लिख दिया और ये एफ इंग्लिश लिख दिया और तीसरा लिख दिया यहाँ पर फाइन आर्ट। तो फाइन आर्ट आपका मेजर सब्जेक्ट बन रहा है, ये मेजर बन गया। ओके ये अगर आपने ऑनर लैंग्वेज की होती तो मेजर वो बन सकता था, लेकिन ये नहीं अभी बन रहे आपके। तो फाइन आर्ट के साथ आप इंग्लिश, ये आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है, और पंजाबी। अब फाइन आर्ट के साथ आपने बाद में कॉलेज में जाके ये चूज करने पड़ेंगे, यहाँ पर यही आपने फिल करना है। तो कौन सा चूज करना है ये डिपेंड करता है कि आपने ये क्राइटेरिया पूरे किए हुए हैं। अगर इलेक्टिव पंजाबी है तो ये पूरा हो रहा है, इलेक्टिव है, टीजीटी के लिए एलिजिबल बन रहे हो। एमए कौन सी आप करना चाहते हो, इंग्लिश की या पंजाबी की, ये बेस्ट डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया होगा। अगर पंजाबी की करना चाहते हो तो फाइन आर्ट्स के साथ पंजाबी लीजिए, अगर इंग्लिश ही करना चाहते हो तो इंग्लिश लीजिए। इसके अलावा और क्राइटेरिया, क्योंकि आगे चल के मास्टर कैडर का एग्ज़ाम, जिसके टीजीटी का जो जॉब में एंट्री का एग्ज़ाम, वो देना पड़ेगा। दूसरी बात है पी एस टेट सी टेट क्लियर करना पड़ेगा, उसमें भी आपकी ये नॉलेज कंसिडर होगी। जिसमें आपकी नॉलेज ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, ग्रेजुएशन में मार्क्स ज़्यादा हैं, है ना, इन दोनों में से वो आप चूज़ कर सकते हो। तो आपका कॉम्बिनेशन दो बन रहे हैं, फाइन आर्ट इंग्लिश, फाइन आर्ट पंजाबी। तो दोनों के बाद आपको कोई एडिशनल ये देना नहीं पड़ रहा। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा पोस्ट जो हैं पंजाबी की शायद ज़्यादा निकलती हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। इस बार इंग्लिश की भी बहुत निकली हैं पोस्ट, तो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कौन सी करनी है इसके बेस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।